से जुदा अपना जुनून अपनी अपनी धुन में सारे को गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम तू आ जा मेरी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी हुजूर। जीते रहिए। फरा और फराज नहीं आए? जी आ रहे होंगे बस। और लड़के? अब वो भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादू। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए बेटे। आप तो जल्दी से नाश्ता शुरू कर दीजिए, आपको देर हो जाएगी। जी दादू, सुबह लेट उठा ना, रात लेट तक पढ़ाई करता रहा था, एग्जाम चल रहे हैं। इसका मतलब फजर की नमाज कजा कर दी आपने? जी। दुनियावी कामों में ऐसे मगन नहीं हो जाया कीजिए कि आपको आखरत की फिक्र न रहे। यहां के इम्तिहान की फिक्र है और वहां की नहीं। अम्मा रोज ही पढ़ते हैं, बस आज ही कजा हो गई होगी। दूसरे साहबजादे का तो कुछ पूछिए, उनके माँ बाप ने तो खुली छूट दी हुई है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहिए। आपके साहबजादे कहाँ हैं? तैयार हो रहे, आ रहे। जरा जल्दी उठा दिया करें ताकि वक्त पर तैयार हो जाएं। मैं वो तैयार ही हैं, बस आते होंगे। आप शुरू करें ना, क्या दूं आपको? आ जाने दीजिए उन्हें। अम्मी हुजूर, कितनी बार कहा है आपको, आप इंतजार मत किया करें, आपको दवा खानी होती है। ये बात तो आप लोग अपने बच्चों को समझाइए। वालेकुम सलाम। हमजा, आपकी दादू ने आपकी वजह से भी नाश्ता शुरू नहीं किया। क्यों? मैं ये नाश्ता वैसे भी नहीं करने वाला। मैं हूँ डाइट, सॉरी सॉरी, आई विल हैव माय स्किम मिल्क, जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट अ लिटिल बिट। खड़े हो के नहीं पीते, बैठ के पीजे। तू चल रहा? हाँ चल चल, मैं वेट कर रहा हूँ। नाश्ता? दादू यूनिवर्सिटी में खा लूंगा, देर हो रही है। खुदा हाफिज। और मेरे एग्जाम के लिए दुआ कीजिएगा सब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ले निकालो। दीजिए। ओ भाई, तुझे बड़ी जल्दी है। अरे इन बुजुर्गों के साथ बैठ के खाना खाने से बेहतर है बंदा भूखा चला जाए। यार यार बुरी बात है हमजा। अच्छा सुन 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 भाई, ये बाबों की तरह ना नसीहतें मत किया कर मुझे। तूने कौन सी मेरी सुन लेनी है? अच्छा लिसन लिसन, हो जाए क्या? ओ कम ऑन ना, रेस लगाते हैं। ओ भाई मैं रेस वेस नहीं लगानी। अबे चल डरपोक, इसको डरना नहीं, इसको एहतियात करना कहते हैं। बस कर, I'll see you there। And I won। और तू हार गया हमेशा की तरह। हाँ हाँ ठीक है। वे, वे, सारा तेरी सारा।
कम से कम उसके सामने इंप्रेशन अच्छा कर लेता जीत के। मेरी कहां से हो गई? अबे बस कर दे यार, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। हाँ, इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ you know? वो तो तू है। आई नो राइट, किससे डरता? इस हार कर दे उससे, स्टिल हर आई लव यू। फसूल बातें ना कर, चल। ओह कम ऑन, लिसन, इससे पहले कि तेरी दुल्हनिया को कोई दिलवाला ले जाए, जाके इजहार कर दे। क्या हास ना कर, अब बुरा लग गया, अब बुरा लग गया, अब बुरा लग गया तुझे है? What's up girls? Bye. चल अब क्या? मंडे 12:30, ट्यूजडे 2 o'clock। हेलो मामा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप टाइम देख रही हैं? आपको कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है कि हाय हेलो नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आई नो मामा। और भाई मैंने कितनी बार कहा है कि यही सेम घिसा पिटा लेक्चर, भाई इसे कितनी बार दोगे, आखिर ये बच्ची नहीं रही। मामा आप अपने हस्बैंड को समझा दें, इनसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये बीच में मत बोला करें। तुम्ही ने इसे मुझसे दूर किया है क्योंकि तुम चाहती ही नहीं कि ये मेरे करीब आए, तुम नहीं चाहती कि तमीज से मुझसे बात करे, मेरे साथ बैठे, गपशप लगाए। जी बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि ये आपसे दूर रहे। पर क्यों भाई, आखिर मैं इसका बाप हूँ। लेकिन सौतेले बाप, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी है। अम्मा हम बहुत परेशान हैं। परेशान हैं? सब खैर तो है? अम्मा हम अबीर की वजह से बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उनकी नजरें अबीर के लिए ठीक नहीं है अम्मा। अच्छा तुम उसको लेकर फौरन पाकिस्तान पहुंचो। पाकिस्तान अम्मा? हाँ भाई, दो लड़के तो घर में ही मौजूद हैं, अच्छा है हमारी नजरों के सामने रहेंगी ना अबीर। अम्मा ये बात करके तो आपने हमारी आधी परेशानी दूर कर दी, लेकिन अम्मा क्या वहां सब लोग मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, क्या कमी है हमारी अबीर में? ठीक है अम्मा, हम कल ही अबीर से बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं बात बात करने की, बस उसको लो और पहुंचो पाकिस्तान। ठीक है अम्मा, हम ऐसे ही करेंगे। अल्लाह हाफिज।
भाई जब ठीक वक्त आएगा ना सब हो जाएगा। अच्छा और वो ठीक वक्त कब आएगा? जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और मैं अपने पैरों पे खड़ा होगा। ओह प्लीज, जब तक तू अपने पैरों पे खड़ा होगा ना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। पागल है क्या? देख अगर वो मेरी किस्मत में लिखी होगी ना तो कहीं नहीं जाएगी। खुदा के लिए तो ये किताबी बातें करना बंद कर यार, उससे इजहार कर दे जाकर जल्दी फौरन अभी। अगर भाई किसी ने देख लिया तो 2 मिनट में कहानियां बना देंगे। अभी तो क्या गार में जिंदगी गुजार रहा है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हजारों लोग आपस में बातें करते हैं यार, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू ठीक है ना? और लोगों की ना आपस में दोस्तियां होती हैं, हमारी में तकल्लुफ ही नहीं है। घावड़ का घावड़ ही रहेगा, तेरी जगह मैं होता ना तो ये मौका कभी नहीं जाने देता। एंड यू नो दैट। भाई तू अपनी तो बात ना ही कर, जहां गए वहीं दास्तान छोड़े। हाँ तो एक जिंदगी है यार, ट्रस्ट मी ब्रो, अभी के अभी जाके उससे मोहब्बत का इजहार कर दे। अभी नहीं कह सकता। कब करेगा? तो मैं जिंदगी में आ जाएगी तब करूंगा। अबे जब वो जिंदगी में आ जाएगी ना, लिसन, जब शादी हो जाती है, गौर से सुन, जब शादी हो जाती है ना तो रूटीन बन जाती है, हम बोर हो जाते हैं, फिर वो चार में नहीं रहता आई लव यू डॉल, नहीं होता वो यार, अब भी मजा आएगा ना। चल बोल जा। भाई तू मेरी फिक्र ना कर, तू अपनी फिक्र कर, और कभी किसी लड़की के लिए सीरियस भी हो जा प्लीज। ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जो हमजा फराज का दिल जीत सके, समझा? अच्छा, और अगर किसी दिन वो लड़की छत से सामने आ गई फिर? अबे ऐसा नहीं हो सकता, तुझे पता है ना बनी ही नहीं। चल वक्त आएगा तो देखेंगे। यार राइट, आई सी यू। ठीक है जाइए। वो ठीक रहेगा ना? चलिए जी, शुक्रिया, नाफिस। माज़रत चाहते हैं अम्मा, वो बैंक से रिजवान साहब का फोन था, कोई क्रेडिट कार्ड में मसला हुआ है तो उस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। आप हुक्म कीजिए, आपने बुलाया था। वो कहाँ है? वो लीजिए आ गई, कहिए। माहरुख का फोन आया था। अच्छा, कैसी हैं वो? अच्छी हैं, बस अबीर की तरफ से परेशान है। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी नवासी को? कुछ परेशान है, लड़की जवान हो गई है, माहौल में इतना फर्क है, बस इसीलिए परेशान रहती है, माँ है ना। तो ये तो जाने से पहले सोचना था ना। तो वो अपनी खुशी से तो नहीं गई ना? सिराज के इंतकाल के बाद हम सब की ख्वाहिश थी कि मारुख का घर बस जाए। जुनेद का रिश्ता आया, हमने हाँ कर दी। बस हमसे गलती यही हो गई कि हमने मालूमात नहीं कराई उनकी। नहीं, इसमें गलती की क्या बात है अम्मा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मारुख का घर दोबारा से बस गया और अबीर को भी बाप का साया मिल गया, अब तो खुश है ना मारुख। जुनेद अच्छे इंसान नहीं है, मारुख ने हमें बहुत सी बातें बताई, हमने तो सुनते ही कहा कि बच्ची का हाथ पकड़े और फौरन पाकिस्तान चली आए, यहां हम देख लेंगे कोई भी रिश्ता। ये कैसी अजीब सी बात कर रही हैं, यहां कौन से रिश्ते हाथ बांधे खड़े हैं, और बाहर की लड़की है वो, उसका तो अपना ही अलग मिजाज होगा, वो भला कैसे गुजारा करेगी यहां? जब अपने ही अपनों के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो बाहर से आएंगे क्या लोग? फिर हमारे घर में भी तो लड़के मौजूद हैं। लेकिन आजकल के लड़कों का भी आपको पता है ना, लड़कों के भी अपने मिजाज होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई अपने लिए पसंद कर रखी हो। फरा बस कर दे, क्या बातें लेके बैठ गई हैं आप, देख नहीं रही कि अम्मा पहले ही परेशान है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हम ही अम्मा की परेशानी की वजह है। वैसे भाभी बेगम आप भी कम नहीं है आग लगाने में। आप छोड़े इन्हें, आप हमें बताइए अम्मा आखिर बात क्या है, कहिए ना।
आपको? ऐसा नहीं है बेबी, किसी ने झूठ बोला है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सब लोग हमसे जलते हैं। और ये जूनी की लड़कियां, इनकी बातों में मत आया करो यार। मैं तो वैसे इंतजार कर रहा हूँ, एक बार हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए, मम्मी पापा से हमारे बारे में बात कर लूंगा। वो कल आ रहे हैं तुम्हारे घर। हाँ सच्ची, यू नो आई लव यू सो मच। जुनेद, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, और आप अबीर के रूम में कैसे आए? इतना चिल्ला क्यों रही हो? लड़की सो रही है भाई, क्यों आया का क्या मतलब? तुमने देखा नहीं कितनी अजीब एंगल पर लेटी थी? क्या चाहती हो कि गर्दन में मोच आ जाए? हम बहुत अच्छी तरह आपकी नियत को जानते हैं, बहुत दिनों से नोट कर रहे हैं हम आपको। मतलब तुम मेरी नियत पर शक कर रही हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जहन में कितनी गंदगी है। दरअसल तुम जलती हो ना, तुम पर तवज्जो नहीं देता, मुझे सिर्फ हमारी बेटी की फिक्र है। फॉर गॉड सेक, बकवास बंद। मामा, व्हाट हैपेंड? बस अबीर, अब आप यहां नहीं रहेंगे, यू आर नॉट सेफ हियर। हमें मारुख के बारे में आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। वो अबीर को लेकर पाकिस्तान आना चाहती है। हमीजुल, खैरियत तो है? कहां खैरियत है, जुनेद ने बहुत परेशान करके रखा है। अम्मा, जुनेद तो शुरू से ही लापरवाह थे।
पता नहीं क्या सोचकर हमने मारुख की शादी कर दी जुनेद से। अब ऐसा भी नहीं है, वो तो मजे कर रही है वहां पर। हमें अपने बेटों से बात करने दीजिए। जी जी आप कहिए, सुन रहे हैं हम। मारुख चाहती हैं कि वो पाकिस्तान अबीर को लेकर आए तो अबीर को यहीं छोड़कर जाएं। और ये बात सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि अबीर की शादी यहीं कर दी जाए। तो हमने मारुख से कहा कि फिक्र करने की बात नहीं है, हमारे घर में भी दो दो लड़के। अम्मा हमारे बेटे को तो आप माफ ही रखें। खामोश रहे फरा, देख नहीं रही आप अम्मा कितनी परेशान है इस वक्त। तो हमें क्यों परेशान कर रही हैं ऐसे फैसले करके? आपने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई। हम माफी चाहते हैं अम्मा, आइंदा नहीं करेगा। सॉरी करो दादो से। सॉरी दादो। अम्मी जान देखते हैं मारुख को आने तो दें, लड़कों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लड़के तो जैसे हाथ बांधे खड़े ना आपकी भांजी के लिए, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं महारानी आएंगी और शादी कर लेंगे। वो कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए अभी खामोशी से खाना खाइए, बाद में इस मसले पर बात करेंगे। मैंने कितनी बार कहा है कि यही सेम घिसा पिटा लेक्चर, भाई इसे कितनी बार दोगे? आखिर ये बच्ची नहीं रही। तुम्ही ने इसे मुझसे दूर किया है क्योंकि तुम चाहती ही नहीं कि ये मेरे करीब आए। शायद डरती हो ना, तुम नहीं चाहती कि तमीज से मुझसे बात करे, मेरे साथ बैठे, गपशप लगाए। चिल्ला क्यों रही हो? लड़की सो रही है भाई, क्यों आएगा क्या मतलब? तुमने देखा नहीं कितनी अजीब एंगल पर लेटी थी? क्या हुआ? आपने डरा दिया मुझे। I'm sorry. मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया। No thanks. मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे रूम में बगैर नॉक किए मत आया करें। तुम
हॉट। कुछ चाहिए आपको? प्लीज मुझे रेडी होना है। I can't decide. कुछ चाहिए आपको? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे रूम में नॉक किए बगैर मत आया करें। आप अरे एक मिनट बात करने का तो मौका दो। ये आपने दरवाजा क्यों लॉक किया है? देखो घबराने की जरूरत नहीं है अभी। डोर ओपन करें अभी। मैं बस सॉरी कहने आया था। नहीं, मुझे एहसास हुआ कि मामा तुम्हारे कमरे में हमेशा नॉक करके आना। नहीं चाहिए मुझे आपको। सॉरी, आप जा रहे हैं या मैं? अब मामा को कॉल करती हूँ मैं। बस एक बार मेरी क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ छोड़े। जो प्लीज प्लीज हाथ छोड़े। अबीर अरे अरे केयरफुल अबीर। दिखाओ दिखाओ कहाँ चोट लगी। दूर है मुझसे। अबीर बहुत स्ट्रांग बेटी है तुम्हारी। मेरी जान को मार रहा हूँ आपको। आपको चोट तो नहीं लगी ना मम्मा? इन्होंने आइंदा अगर आप हमारी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो हम फौरन पुलिस को कॉल कर लेंगे। समझे आप? जाएं यहाँ से आप। अभी आपको आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, हमने आपसे कहा ना, जाइए यहाँ से, जाएं। ठीक है, फिर तुम ही उठाओ अपनी गिरी हुई बेटी को। प्लीज क्या हुआ? उठिए निशा, उठ निशा, बट गुड गुड कर गुड सुखी सुखी निशा। आइए ना बैठिए सुखी सुखी। ये खामोशी क्यों? अबीर हम कल पाकिस्तान जा रहे हैं। और वहीं आपकी शादी भी करवा देंगे। You mean marriage? I can. Marriage? She does mean marriage. Because she thinks के पाकिस्तान में तुम्हें बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे जो तुम्हारे काबिल हों। कम से कम आपसे तो बहुत बेहतर होंगे। आज तक आपकी जो हरकतें रही हैं, वो तो किसी जानवर से बदतर ही हैं। अरे क्या हो गया खुदा की बंदी, मैंने ऐसा क्या कर लिया है यार? क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो? और तुम खामोश क्यों बैठी हो? तो स्टॉप लाइंग। I will never ever forgive you. अरे इसमें फॉरगिव करने वाली कौन सी बात है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अबीर को बहुत पहले ही उसकी नानू के पास पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। वाह जी वाह, मतलब पाल पोस कर मैं बड़ा करूं और ये फैसला तुम लोगी। वाह। एक्सक्यूज मी, अबीर की आज तक परवरिश हमने
अपने पैसों से किए। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हें ये वहम क्यों हो गया? वहम? आपकी आज तक सारी हरकतें देखने के बाद आपको लगता है हमें अब भी वहम हो रहा है? हमारी बस दुआ है कि हमारी अबीर को ऐसा शख्स मिल जाए जो कम अज कम रिश्तों के तकद्दस को जानता हो। आमीन आमीन। चाय भिजवा देता। चल बस कर दे, रखते फोन यार। चलो आई सी यू टुमारो देन। ऑफिस बड़ी जरूरी कॉल्स आती हैं तुझे, है ना? फुफ्फो आ रही है तेरी, अपनी बेटी समेत फोन आया था। भाई तेरी भी तो फुफ्फो है। असले असले पता तब चलेगा जब उनकी बिगड़ी हुई बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अरे मैं क्यों करूंगा शादी, सिंगल तो तू है। मैं ही रह गया बलि का बकरा बनने के लिए। तुझे तो वैसे ही मॉडर्न लड़कियां पसंद है और वो तो है भी अमेरिकन। माफ कर दे यार, मुझे नहीं करनी शादी वादी। शादी का झंझट पालने का भी मूड नहीं है। क्यों नहीं करनी शादी? अब तो पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। तो तू कर लेना उससे वो सारा सारा से शादी कर लेना तू। नहीं कर लेंगे शादी, सही वक्त तो आने दे। मैं तू और तेरा ठीक वक्त यार। जी मुसीबत ले आई है दादो। वैसे मैं साफ इनकार करने वाला हूं, तू देख लेना। अबे मैं क्यों पड़ूं इस झंझट में यार बिला वजह। सॉरी तो तू अभी क्यों हंगामा खड़ा कर रहे है? पहले आ तो लेने से। अबे आई समझ यार। बहुत अच्छा किया जो अबीर को लेके यहाँ आ गई तुम। बस अम्मा हमें इस मसले का यही हल नजर आया, इसलिए हम अबीर को लेके यहाँ फौरन आ गए। मारुख तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये अबीर का अपना ही घर है। मामा आई एम वेरी टायर्ड, मैं सोना चाहती हूँ। जी बेटा आपका कमरा तो रेडी है लेकिन खाना लगने वाला है, हम चाह रहे थे कि आप पहले खाना खा लेती फिर आराम कर लीजिएगा। नहीं भूख नहीं है मुझे, मैं आराम करना चाहती हूँ। दरअसल फ्लाइट में बिल्कुल सो नहीं सकी, शायद थक गई है इसीलिए। कोई बात नहीं, अपना ही घर है, अभी सो जाने दीजिए, उठेंगी तो खा लेंगे। आप मेरा रूम कहाँ है? हम ले चलते हैं आप। नहीं ताई आप बैठिए ना, मैं ले जाता हूँ। शुक्रिया बेटा, आइए। ओके मैम आइए, इधर दिस वे। Where's my room? Left or first door? Yeah. Thank. Oh no no, man. कोई बात नहीं, it's okay. It's okay, I'll do it. No no, मैं पहना देता हूँ, कोई बात नहीं. With me. ये देख. See, हो गया. Thank you. You're welcome. You good? Yeah. ये क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मतलब फूफू की बेटी है हमारी, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? बताया मुझे,
तेरा प्रॉब्लम क्या है? चना तेरा अच्छी तरह पता है ये टेंशन किस बात की, तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? इसको प्लीज उस तरह ट्रीट मत करना जिस तरह तू बाकी लड़कियों को करता है। रियली? क्या करता हूँ मैं दूसरी लड़कियों के साथ? इससे तुझे नहीं पता है। ओके लिसन, मेरा भाई है ना? यस, हम कसंस हैं और हम दोस्त भी हैं। बिल्कुल। तो मेरा बाप ना बन। जा। अम्मा आप जानती हैं हमने ये फैसला बहुत मजबूरी में किया। बहुत अच्छा किया, अब वो यहाँ पर बिल्कुल महफूज रहेगी। इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा, बस फिर हम उसकी बात तय कर देंगे। अम्मा आपने वो हमजा और हनान का जिक्र किया था, उन दोनों की कहीं बात तो नहीं तय हुई हुई या उन्हें कोई पसंद तो नहीं है? दोनों ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अभी तो दोनों पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जल्द ही उनकी तालीम खत्म होने वाली है, शादी तो करनी ही है कहीं ना कहीं। हम बात करेंगे एजाज और फराज से। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरह हमारी वीर आपकी नजरों के सामने रहेगी। वैसे दोनों लड़के ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हन्नान हमें ज्यादा पसंद है, बड़ी नर्म और सुलझी हुई तबीयत का मालिक है। हम पहले हन्नान से बात करेंगे, अगर वो राजी हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अम्मा आप फिर जल्दी बात कीजिए, आप जानती हैं ना हमें वापस भी जाना है। और अगर शादी तय हो गई तो कैसे जाएंगी? इंशाल्लाह तब तो हम रुकेंगे जरूर, बस आप हनान से बात कीजिए। आज ही करते हैं, बस हमें इंतजार है आपके जवाब का। मामा, मामा मामा समीम चुप कहाँ चले गए हैं? तू आ जा मेरे